अभी तो हमने 2000 के नोट सिर्फ टीवी में और पेपर में न्यूज में देखी थी, तो कोई आया कस्टमर, अननोन कस्टमर आके एक्सचेंज दिया, उसको सामने पेमेंट किया, ऐसे ही हमने ले लिया। फिर 2 दिन बाद जब हमने बड़े व्यापारी को जब वहाँ माल खरीदने गए, तब उसने ना बोल दी कि भाई ये नोट नहीं चलेगी। फिर हमने तपास किया, बाजू में बैंक है वहाँ गए, इधर बाजू में यो बैंक है उसमें भी गए, मगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जाके मालूम पड़ा कि ये वाकई डुप्लीकेट नोट ही है। किस तरह से आया होगा, क्या किस तरह से कस्टमर का? हाँ, उसकी साइज एक तो बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता, पर क्या है कि थोड़ी साइज छोटी थी और जो प्रिंट है वो थोड़ा ऐसा लगे कि डल, जैसे पुरानी हो गई है ऐसा लग रहा था। नई नोट के सामने थोड़ी पुरानी हो ऐसा लग रहा है। फिर आपने पता कि आपको डुप्लीकेट नोट है, तो आपने किस तरह से क्या अप्रोच किया और पुलिस के? हाँ, पुलिस को बताया, ये अपने यहाँ बाजू में एक हमारे रिश्तेदार है, उनको बात करी। फिर बैंक, सेंट्रल बैंक में गए, वो लाल दरवाजा, वहाँ मैनेजर्स को दिखाया, तो उन्होंने ये कंफर्म किया और वहाँ लिखित में सब ले लिया, लिखाई पट्टी हो गई और SOG, मतलब जो पुलिस बुलिस के करे वो आगे करे। क्या है कि कोई आज 2000 हमारे लिए तो ठीक है, पूरे दिन का ये हुआ, कोई छोटा मोटा इंसान हो है, तो 2000 के लिए फंस जाओ बेचारा, और जिसकी पगार 5-7 हजार 10 हजार हो है, उसके हाथ में 2000 आओ तकलीफ में आ जाओ ना। तो हमने आगे बोल दिया कि भाई ये इस तरह से हो रहा है।